बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दूसरे दिन भी जारी। बैठक में मौजूद पीएम मोदी पार्टी नेताओं को करेंगे संबोधित। आगामी विधानसभा चुनाव के साथ 2024 की तैयारियों पर मंथन। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में मारे गए दो लश्कर ए तैयबा के आतंकी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम पर यूएनएससी का बड़ा फैसला। हाफिज के करीबी पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को घोषित किया गया ग्लोबल टेररिस्ट। इस बार चीन ने नहीं दिया पाकिस्तान का साथ। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में बदला ठिकाना। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने दाऊद को कराची के डिफेंस एरिया में शिफ्ट किया। चंडीगढ़ में मेयर पद पर फिर बीजेपी का कब्जा। बीजेपी के अनूप गुप्ता ने एक वोट से आप उम्मीदवार को दी मात। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच फिर से तेज हुई तनातनी। पेपर लीक मामले में गहलोत ने पायलट के आरोपों का जवाब दिया। कहा सरकार को बदनाम करने की साजिश। कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई नेता इन्वॉल्व नहीं है और जो गैंग बनी हुई है पेपर लीक करने वालों की, उन तक हम पहुंचे हैं। स्कूल फीस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोरोना काल के समय ली गई फीस का 15% हिस्सा करना होगा वापस। कंप्यूटर लैब और मेंटेनेंस जैसे चार्ज नहीं देने के दिए आदेश। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया। उनकी आवाज निडर होकर उठाता है लोगों की। नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है।